नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी द्वारा लिखा गया विमल सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास, छह सिर वाला रावण। पार्ट 6। बेहद आंदोलित गजरी समारोह से वापस लौट रहा था। उसकी मर्सिडीज कार को इंदौरी चला रहा था और जीवाने उसके पहलू में बैठा हुआ था। एन पीछे एक एम्बेसडर आ रही थी जिसमें बाबू कामले और बीजू सवार थे। बच्चे के साथ सोहल के स्टेट से निर्विघ्न निकल जाने के बाद गजरे का मन वहां से ऐसा उचाट हुआ था कि वो तत्काल वहां से रुखसत हो गया था। दोस्त के नवाजे के सुरक्षित वापस लौट आने तक उसके साथ टिके रहने जैसी शालीनता भी उसने नहीं दिखाई थी। ये सोचकर वो अभी भी सिहर उठता था कि पीछे स्टेट में सोहल के हाथों उसकी मौत महज वक्त की बात थी। लोहिया नशे में बहकाना होता या जीवाने ने बहराम जी की सेक्रेटरी को न पहचान लिया होता तो उसी सात जन्म इम्कान न होता कि सोहल वहां पहुंचा हो सकता था। उसका खात्मा करने के लिए पीछे जो जाल सोहल ने बुना था उसके जेरे साया वो वहां से बच निकला था, इस बात पर अभी भी उसे यकीन नहीं आ रहा था। नर्वस भाव से उसने सिगार का एक लंबा कश खींचा। इतनी सिक्योरिटी थी स्टेट में, चार बॉडीगार्ड वो आदतन अपने साथ लेके गया था। फिर भी सोहल का संहारक हाथ एन उसकी गर्दन पर पहुंचा हुआ था, सारी सिक्योरिटी धरी की धरी रह जाती और वो वहां पर मरा पड़ा होता। उसके शरीर ने जोर की झुरझुरी दी। कितना बेबस, कितना लाचार, कितना अकेला था वो सिर्फ एक आदमी की हस्ती के सामने जिसे अपनी ऐंठ में वो गीदड़, अकेला चना, छोटा खिलाड़ी, खटमल, मच्छर, भूंगा और पता नहीं क्या क्या करार दे चुका था। वही अकेला चना जो फाड़ नहीं फोड़ सकता था बड़े इत्मीनान से पिछले 21 दिनों में उसके 5 अहदेदारों की लाशें गिरा चुका था और छठे को भी एन चल चल के करीब पहुंचा चुका था। वो कंपनी के डूबते जहाज को उस मुकाम पर पहुंचा चुका था जहां उसके साथ डूबने वाला भी अब कोई नहीं बचा था। वो इंसान नहीं, कोई चलता फिरता प्रेत था जो कहीं भी कभी भी किसी के भी सिर पर आन खड़ा हो सकता था। पीछे स्टेट में हजारों लोगों के बीच वो तन्हा फंसा हुआ था, फिर भी अपनी युक्ति से साफ बच निकला था। अब क्या गारंटी थी कि आइंदा किसी भी दिन वो उसके सिर पर फिर नहीं आन खड़ा होने वाला था। तभी एकाएक कार रुकी। क्या हुआ, वो सिर उठाकर बोला। आगे जुलूस है, इंदौरी बोला। तो क्या हुआ, रास्ता रुका हुआ है। गजरे ने अपनी कलाई घड़ी पर निगाह डाली, 10 बजने को थे। ये कोई वक्त है जुलूस का? मशालों वाला जुलूस है बाप, जो कि रात को ही निकलता है। जुलूस? क्या ये भी उसको सड़क पर अटकाने की सोहल की कोई चाल थी? नहीं, इतनी जल्दी वो नए वार के लिए तैयार नहीं हो सकता था। मुश्किल से अभी आधा घंटा पहले तो वो स्टेट से निकलकर समुद्र के रास्ते भागा था। उसने सीट पर से उचककर सामने देखा तो पाया कि वो बच्चों का जुलूस था। कुछ बच्चे हाथों में दान पात्र लिए पब्लिक से चंदा मांग रहे थे, कुछ ड्रम बजा रहे थे और काफ़ी सारे जलती मशाले उठाए थे। जुलूस के आगे दो बच्चे एक बड़ा सा बैनर उठाए चल रहे थे जिस पर लिखा था, बापू बालखर रजिस्टर्ड, चर्च गेट, मुंबई, 400020, स्थापित सन 1940। बालघर क्या मतलब? गजरे बोला। शायद यतीम खाने को बोलते हैं बाप, जीवाने बोला। यतीम खाना? जहाँ यतीम बच्चे पलते हैं उन्हीं का जुलूस है, चंदा उगाने के लिए। सन 1940 लिखा है, इंदौरी बोला, यानी कि अंग्रेजों के टेम से चल रहा है। बच्चों के बैंड की धुन पर मशालों वाले बच्चे गा रहे थे, तुम्हारे हैं तुमसे दया मांगते हैं, तेरे लाडलों की दुआ मांगते हैं। 56 साल पुराना यतीम खाना, गजरी सोच रहा था। चर्च गेट जैसे घने और मकबूल इलाके में एकाएक उसके जहन में बिजली सी कौंधी। इंदौरी, वो तीखे स्वर में बोला, गाड़ी बैक करके कोई और रास्ता पकड़, मेरे को इधर अटके रहने का नहीं है। अभी कहता है बाप, इंदौरी तत्पर स्वर में बोला। यतीम खाना, गजरे के जहन में लगातार हथौड़ा सा बज रहा था। चर्च गेट पर यतीम खाना, चर्च गेट पर। एक टैक्सी स्टेट के गेट पर पहुंची। जहांगीर की उसकी तरफ निगाह उठी, फिर वो किसी पैसेंजर के बाहर निकलने की प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन पैसेंजर की जगह टैक्सी का ड्राइवर बाहर निकला। ड्राइवर विक्टर था। बच्चे को लाया है, वो बोला। बच्चा? जहांगीर सक पकाया। और भाड़ा मांगता है? क्या बकता है, अनपढ़ है, भाड़ा नहीं समझता या बच्चा नहीं समझता?
हेलो अंकल जहांगीर, तभी टैक्सी की पिछली खिड़की से बाहर सिर निकालकर बच्चा बोला। इमरोज जहांगीर के मुंह से निकला। मैं टैक्सी पर अकेला बैठ के आया, बच्चा चहका। गेटवे ऑफ इंडिया देखा, बहुत मज़ा आया जहांगीर अंकल। भौचक्के से जहांगीर ने गेट को पूरा खोला और ड्राइवर से बोला, टैक्सी भीतर लेके जा। पण मेरा भाड़ा? विक्टर बोला, भीतर मिलेगा। बच्चे को किधर से लाया? अपोलो बंदर से। एक सरदार जी इसे टैक्सी में बिठाया, बोला इसे कोलाबा पॉइंट सी रोक स्ट्रेट छोड़ के आना था और भाड़ा इधर से मिलने का था। मैं ठीक जगह पहुंचा ना बाप? एकदम ठीक जगह पहुंचा है। टैक्सी में बैठ और बच्चे को भीतर लेके जा। मैं तेरे भाड़े और तेरे इनाम के लिए भीतर फ़ोन करता हूँ। विक्टर वापस टैक्सी में सवार हो गया और टैक्सी को भीतर ले चला। टैक्सी के मेंशन के सामने पहुंचते ही बेशुमार लोगों के हुजूम ने टैक्सी को घेर लिया और इमरोज़ लौट आया कि हर्ष ध्वनि होने लगी। फिर खुद बहराम जी कॉन्ट्रैक्टर ने विक्टर को गले लगाकर उसका शुक्रिया अदा किया और इनाम इकराम से पूरी तरह से नवाज कर उसे वहाँ से रुखसत किया। किराए की एस्टीम अभी भी वहाँ पार्किंग में खड़ी थी, जिसे कि अगले रोज कंपनी वाले खुद वहाँ से कलेक्ट कर सकते थे। गजरे होटल सी व्यू पहुँचा। सबसे पहले उसके कदम अपने ऑफिस में पड़े। वो अपनी एग्जीक्यूटिव चेयर पर बैठ गया और उसने मेज के एक दराज से गौशालाओं, धर्मशालाओं, यतीम खानों की वो लिस्ट बरामद की जो कि शनिवार 4 तारीख को डोंगरे ने उसे सौंपी थी और जिसकी बाबत डोंगरे का दावा था कि वो मुकम्मल लिस्ट थी। उसने बड़ी बारीकी से लिस्ट का मुआयना किया। उसकी एक एक एंट्री उसने उंगली रख रख कर पढ़ी। फिर उसने बाबू कामले को बुलाया। यहाँ इस वक्त कितने प्यादे हैं? वो बोला। मेरे समेत जो 4 जने तुम्हारे साथ थे बाप, कामले बोला, उसके अलावा 6 और हैं। कितने और आनन फानन इकट्ठे कर सकता है? आनन फानन? हाँ, 10, 12, 15 कर, और जब ऐसा कर चुके तो मुझे खबर करना। ठीक, इंदौरी को इधर भेज और डोंगरे का पता कर, वो कहाँ है। मिल जाए तो क्या बोलूँ? मेरे पास आने को बोलूँ और क्या बोलूँ? कामले चला गया, इंदौरी आया। बाहर ठहर, गजरे बोला, हिलना नहीं उधर से, घंटी बजाऊँ तो आना। इंदौरी सहमति में सिर हिलाता बाहर निकल गया। डोंगरे आया, उसने गजरे का अभिवादन किया और बोला, जल्दी लौट आए बाप, पार्टी लंबी नहीं चली? पार्टी तो अभी भी चल रही है, गजरे संजीदगी से बोला, मेरा ही उधर मन नहीं लगा। ओह, इधर आ, झिझकता सा डोंगरे करीब आया। बैठ, डोंगरे ने हैरानी से बॉस की तरफ देखा। अरे बैठ ना, गजरे ने आग्रह किया। झिझकता सा डोंगरे उसके सामने एक कुर्सी पर बैठ गया। ले, डोंगरे ने अपना कीमती सिगारों का डिब्बा उसकी तरफ सिरकाया, सिगार ले। डोंगरे ने एक सिगार ले लिया, लेकिन बॉस के सामने उसे सुलगाने की बेअदबी न की। वो, गजरे सहज भाव से बोला, आश्रमों शालाओं वाली लिस्ट पूरी चेक हो गई? हाँ बाप, सोहल कहीं नहीं मिला? नहीं मिला बाप, मिला होता तो वहीं लाश न गिरा देता। कहीं मिला तो बेशक ना हो, लेकिन कहीं से ऐसा इशारा मिला हो कि पहले वो वहाँ था? नहीं, ऐसा भी नहीं हुआ, जबकि हर जगह पूरी जिम्मेदारी के साथ तूने खुद टटोली। हाँ बाप, यानी कि मेरा ये अंदाज़ा गलत निकला कि वो किसी धर्मशाला या यतीम खाने में पना पाए था। ऐसी छह बाप, खैर कोई बात नहीं, गजरे एक क्षण ठिठका और फिर बोला, यहाँ सोहल का भेदिया कौन है ये भी पता नहीं लग पाया। बिलमोरिया, खुदा उसे जन्नत नशीन करे, कहता था कि वो भेदिये का पता लगा लेगा लेकिन लगा ना पाया, तू भी इस बारे में कुछ नहीं कर सका। मैंने कोशिश पूरी की पर तू जानता है मुझे पिंगले पर शक था। हाँ बाप, और पिंगले को दिव्या पर शक था। हाँ बाप, लेकिन इस मामले में पिंगले की हिमायत बिलमोरिया करता था और दिव्या की हिमायत मैं करता था। मुझे 100% यकीन था और अभी भी है कि दिव्या गद्दार नहीं, वो हमारे बीच सोहल का भेदिया नहीं, इसलिए बावजूद बिलमोरिया की तरफदारी के मेरा शक पिंगले पर कायम था। डोंगरी खामोश रहा, उस चर्चा का मकसद उसकी समझ से परे था। उस घड़ी गजरे का बुलावा भी उसे कम उलझन में नहीं डाल रहा था। अब मेरा सवाल ये है डोंगरे, कि अगर पिंगले हमारे बीच सोहल का आदमी था तो उसका कत्ल क्यों हुआ? जो आदमी उसका हिमायती बना हुआ था, उसका मददगार बना हुआ था, हमारे बीच उसका जासूस बना हुआ था, उसने उसको भी मौत के घाट क्यों उतार दिया? क्यों उतार दिया, तू बता। मैं तो कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। डोंगरे,
पिंगले का भी कत्ल हुआ। ये अपने आप में उसकी बेगुनाही का अहम तरीन सबूत है। पिंगले के कत्ल के साथ ही मुझे पूरी तरह से यकीन हो गया था कि वो हमारे बीच सोहल का भेदिया नहीं था, भेदिया कोई और ही था और अभी भी है। कौन? तू। डोंगरे जैसे आसमान से गिरा। बाप, ये तुम क्या? तू है हमारे बीच सोहल का भेदिया। मुझे अफसोस है कि तेरी तरफ मेरी तवज्जो कभी नहीं गई। मेरी क्या, किसी की भी नहीं गई, ना बिलमोरिया की ना पावले की, जिनके साथ की मैं इस बाबत अक्सर मशवरा किया करता था। बार बार दो ही नाम सामने आते रहे, या दिव्या का या पिंगले का। तेरा ख्याल कभी किसी को ना आया। डोंगरे, मेरे तेरे पर कई इल्जाम थे। जैसे तू निकम्मा था, नकारा था, लापरवाह था, लेकिन ये इल्जाम मुझे सपने में भी नहीं सूझा था कि तू गद्दार था। एक बार, सिर्फ एक बार तेरी तरफ मेरा ध्यान चला जाता तो सारी कहानी मेरे सामने दिन की तरह साफ हो जाती कि घर का भेदी ही लंका ढा रहा था। गजरे साहब, आप थोड़ी देर खामोश बैठ। आदत के खिलाफ गजरे बहुत शांति से बोला, और जो मैं कहता हूँ वो सुन, सुन और समझ कि कैसे हर बात तेरी तरफ और सिर्फ तेरी तरफ इशारा करती है। देख, गज विलास फोर्ट वाली वारदात से पहले 3 बार सोहल ने हम पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए अपना खेल खेला। एक बार मेरे सिगारों के डिब्बे में से इस्तेमाल शुदा निरोध में रखा मेरे कोट का बटन निकला, और 2 बार यहाँ बम लगा मिला। ये तीनों काम सोहल यहाँ आके नहीं कर सकता था, क्योंकि तब वो गज विलास फोर्ट की ताक में उसके आसपास असगांव, दपोली, हरनाई वगैरह में विचर रहा था। लेकिन ये तमाम काम तो सबसे ज़्यादा सहूलियत से कर सकता था, क्योंकि तू कंपनी का सिपह सलार ही नहीं, होटल का सिक्योरिटी चीफ भी है, और अपनी इस हैसियत में होटल में कहीं भी विचरने का तुझे पूरा अख्तियार है। डोंगरे, सोहल की हिदायत पर 3 बार ये काम तेरा था, और 2 बार बम के फटने के टाइम से पहले तू उन्हें इसलिए बरामद कर सका था क्योंकि तुझे और सिर्फ तुझे मालूम था कि बम तूने कहाँ प्लांट किए थे। तब पहली बार डोंगरे विचलित दिखाई दिया। एयरपोर्ट जाते सोहल की बाबत हमारे भेदिए उस टैक्सी ड्राइवर की इतनी ठोस टिप तुझे मिली, लेकिन तूने सोहल को काबू में करके पहचान के भी छोड़ दिया। मेरा दावा है कि वो वाक्या होने के बाद ही सोहल से तेरी वो जुगलबंदी बनी जो कि आज तक कायम है। हमारे सारे भेद सोहल तक तेरे जरिए पहुँचते रहे। बाबू कामले को जो दिल्ली में मुँह की खानी पड़ी और नाकाम होकर वापस लौटना पड़ा, वो भी तेरी वजह से हुआ। मंगलवार 29 फरवरी को जब यहाँ दिल्ली से बाबू कामले का फ़ोन आया था, और उसने वहाँ के मॉडल टाउन की D9 नंबर की कोठी को सोहल की बीवी का मौजूदा आवास होने की संभावना जाहिर की थी, तो इस बात को सुनने के लिए तू यहाँ मौजूद था। डोंगरे, या तो तूने सोहल को इस बात की खबर की, या फिर तूने खुद दिल्ली फ़ोन लगाकर नीलम को खबरदार किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो अपने बच्चे और सुमन वर्मा के साथ वहाँ से ऐसी खिसकी कि आज तक वापस मॉडल टाउन लौट कर ना आई। तेरी और सिर्फ तेरी वजह से नीलम की सूरत में तुरुप का इतना बड़ा पत्ता हमारे हाथ लगने से रह गया। सोमवार 21 फरवरी को मेरे और बिलमोरिया के सामने तूने बड़ी शिद्दत के साथ ये स्थापित करने की कोशिश की थी कि गज विलास फोर्ट में डकैती डालने वाला कॉल कोई और था, और वो कॉल कोई और था जो कि शिंदे को पूछता यहाँ आया था, और जिसे तूने एक भेदिए की टिप पर एयरपोर्ट के रास्ते में थामा था। मेरा नेपाल का दौरा टॉप सीक्रेट था, लेकिन सोहल को मेरी काठमांडू में आमद की एडवांस में खबर थी, और इसलिए उमर अजीज बन के मेरे रूबरू होने का प्रपंच वो पहले से रचे बैठा था। काठमांडू में वो बड़े आराम से मुझे खल्लास कर सकता था, लेकिन वो सिरफिरा है जो उसने मुझे छोड़ दिया, एन वैसे ही जैसे उसने पहले होटल ब्लू हेवन के टॉयलेट में मुझे छोड़ दिया था। बहरहाल उसका सिरफिरा होना मेरे काम आया, और 2 बार मेरी जान बख्शी हुई। अब तेरे से मेरा सवाल ये है डोंगरे, कि तूने ऐसा क्यों किया, क्यों तू विभीषण बना? मैंने कुछ नहीं किया गजरे साहब, मैं सिर्फ एक बात का गुनहगार हूँ कि कॉल की बातों पर एतबार करके मैंने उसे छोड़ा। उस वक्त के हालात ऐसे ही थे कि वो मुझे सोहल नहीं लगा था। उसके पास कई सबूत थे ये साबित करने के लिए कि वो सोहल नहीं, दिल्ली में गैलेक्सी की नौकरी करने वाला अरविंद कॉल नाम का एक बाबू था। उन हालात में मेरी जगह कोई दूसरा भी होता तो यही नतीजा निकालता कि वो सच बोल रहा था। उसके अलावा जो भी इल्ज़ाम आपने मेरे पर लगाए हैं वो गलत हैं।
गुस्ताखी की माफ़ी के साथ कहता हूँ कि मेरे खिलाफ पहले से तयशुदा सोच का नतीजा है। कुछ खटकने वाली बातें आपके जहन में आई तो उनके लिए कैंडिडेट आपने मुझे चुन लिया। इसलिए मुझे चुन लिया क्योंकि पहले दिन से आप मेरे खिलाफ हैं। इसका सबूत ये है कि आपने हमेशा मेरी छोटी औकात मुझे जताने की कोशिश की, हमेशा मुझे निकम्मा सिपह सलार कहा, हमेशा और अहदेदारों के सामने मेरी खिल्ली उड़ाने की कोशिश की, मुझे काना कहकर बार बार मेरी तौहीन की, मेरे किसी अच्छे काम की कभी कोई तारीफ़ न की, लेकिन मेरे गलत काम को हमेशा जूते की तरह मेरे मुंह पर उछाल कर मारा। कभी कोई अहम काम सामने आया तो हमेशा मुझे नज़रअंदाज किया और मेरे से कहीं नीचे दर्जे के आदमी को गले लगाकर मुझे मेरी जात औकात दिखाने की कोशिश की। मसलन सोहल के पीछे दिल्ली भेजे जाने के काबिल आपको मैं नहीं लगा, बहराम जी की पार्टी में आपकी हिफाजत के लिए आपके साथ जाने के काबिल आपको मैं नहीं लगा, काठमांडू भी आप मुझे मजबूरी में लेके गए क्योंकि बाबू कामले दिल्ली में था, इंदौरी पहले से नेपाल में था और आपकी गैर हाजिरी में पिंगले साहब की यहाँ मौजूदगी ज़रूरी थी। ओहो, तो ये वो बातें हैं जिनकी वजह से तू मेरे खिलाफ हुआ। सोहल का शागिर्द बन के तूने बदला उतारा मेरे से अपनी हर तोहिन का। ऐसी कोई बात नहीं गजरे साहब, मैं कंपनी का वफादार हूँ, हमेशा था और हमेशा रहूँगा। कंपनी का? मेरा नहीं, मेरी जगह कंपनी की गद्दी पर कोई और, जैसे कि सोहल आन बैठे तो तुझे खुशी होगी। ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन सोहल कंपनी पर काबिज नहीं होना चाहता, उसे बर्बाद करना चाहता है, उसको नेस्ता नाबूद कर देना चाहता है, उसका वजूद मिटा देना चाहता है। काठमांडू में जानता है वो मेरे को क्या बोला? क्या बोला? वो बोला कि वो कंपनी को ऐसा तबाह करना चाहता था कि पाताल तक इसकी जड़ खोदी जाए तो दिखाई न दे कि ये कहाँ गुम हो गई थी। डोंगरी सक पकाया, तेरी सूरत बता रही है कि तुझे इम्कान तक नहीं था कि जो कुछ सोहल कर रहा था, इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि वो कंपनी में मेरी जगह लेना चाहता था। डोंगरे, तेरा ये सपना नहीं पूरा होने वाला, क्योंकि मुझे तेरी कद्र नहीं हुई इसलिए तेरा कद्रदान कोई और कंपनी की गद्दी पर मेरी जगह आन बैठेगा। अपने अल्टीमेटम पर खरा उतर चुकने के बाद यहाँ सोहल तेरा बॉस नहीं बनने वाला। डोंगरी खामोश रहा। अब चुप क्यों हो गया? तारा क्यों पड़ गया जुबान को? साहब, जो कुछ भी आप कह रहे हैं वो सब आपकी खामा ख्यालियों के नतीजे हैं। जो भी इल्ज़ाम आपने मेरे पर लगाए हैं उनमें से एक भी आप साबित नहीं कर सकते। वो तमाम के तमाम ऐसे हैं जो कि किसी पर भी फिट किए जा सकते हैं। आप मेरी जगह बाबू कामले को रख के देखिए, इंदौरी को रख के देखिए, दिव्या को रख के देखिए, यहाँ के किसी भी रेगुलर भीड़ू को रख के देखिए, सब के सब इल्ज़ाम उस पर भी ऐसे ही आयत होते लगेंगे जैसे आप मेरे पर लगा रहे हैं। होटल में कहीं भी विचरने की सहूलियत क्या सिर्फ मुझे है? जिस वक्त नीलम के दिल्ली के मॉडल टाउन वाले पते का यहाँ जिक्र हो रहा था, उस वक्त क्या वो जिक्र सुनने वाला मैं अकेला शख्स था जो कि यहाँ मौजूद था? कॉल को मैंने वही समझा जो कि वो कहता था कि वो था, तो मेरी जगह कोई दूसरा होता तो क्या कुछ जुदा समझता? आप नेपाल जा रहे थे, इस बात की कंपनी में खबर क्या मुझे अकेले को थी? ऐसा कौन सा इल्ज़ाम है इनमें से जो कि खास मेरे पर आयद होता है और जो मेरे खिलाफ दो टूक साबित किया जा सकता है? वो ठिठका, उसने हौले से सिगार वापस सिगार बॉक्स में रख दिया और धीरे से बोला, आप बड़े हैं, वक्त के हाकिम हैं, मेरे मालिक हैं, आपको अख्तियार है मेरे साथ कैसे भी पेश आने का। आप गरीब मार भी कर सकते हैं, भौंकना बढ़िया आ गया है तेरे को, गजरे आंखों से अंगारे उगलता हुआ बोला। डोंगरे खामोश रहा। तू समझता है ऐसी लिफाफेबाजी से तेरी जान बख्शी हो सकती है? मेरी जान तो हमेशा से आपके हवाले है, बख्शवानी होती तो हवाले क्यों करता? बकवास बंद कर और ये बता कि सोहल कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। तुझे मालूम है कि जाने बिना तू उसका भेदिया नहीं बना रह सकता। मैं उसका भेदिया नहीं हूँ, मैं किसी का भेदिया नहीं हूँ, मैं कंपनी का वफादार हूँ, कंपनी की भलाई मेरे लिए सबसे ऊपर है। मैं नहीं जानता सोहल कहाँ है, जानता होता तो कब का उसका सिर काट कर आपके कदमों में डाल चुका होता। तू समझता है कि इस बाबत तू अपनी जुबान को तारा लगा लेगा तो मुझे पता नहीं लगेगा कि वो कहाँ है? डोंगरे कुछ न बोला, वो सिर झुकाए खामोश बैठा रहा। ठीक है, तू न बता, मैं तुझे बताता हूँ कि वो कहाँ है।
डोंगरे ने हड़बड़ाकर सिर उठाया। वो चर्च गेट के उस यतीम खाने में है जो बापू बाल घर के नाम से जाना जाता है। डोंगरे के चेहरे पर सख्त हैरानी के भाव आए। कमीने, वो ही एक यतीम खाना है जो तेरी इतनी लंबी लिस्ट में दर्ज नहीं है। डोंगरे ने लिस्ट उसके सामने फेंकी। तेरी इस लिस्ट में मुंबई की छोटी छोटी ऐसी जगहों के जिनके कोई नाम तक नहीं जानता, अभी कल बने यतीम खानों, धर्मशालाओं, गौशालाओं, विधवा आश्रमों के नाम दर्ज हैं, लेकिन चर्च गेट जैसे मकबूल इलाके में अंग्रेजों के ज़माने से चले आ रहे यतीम खाने का नाम दर्ज नहीं है, जबकि वो रजिस्टर्ड है। और तू बोलता था कि ऐसी जगहों की तूने रजिस्ट्रार के दफ्तर से भी लिस्ट निकलवाई थी, इतने मकबूल यतीम खाने का नाम तुझे कहीं दर्ज ना मिला, ना रजिस्ट्रार की लिस्ट में, ना कमेटी की लिस्ट में, ना डायरेक्टरी की पीले पन्नों वाली क्लासिफाइड लिस्ट में। दर्ज नहीं है तो इस बापू बालघर का ही नाम तेरी लिस्ट में दर्ज नहीं है। क्यों दर्ज नहीं है? क्योंकि तूने उसे जानबूझकर दर्ज नहीं किया। क्यों दर्ज नहीं किया? क्योंकि तू नहीं चाहता कि मेरी तवज्जो उस यतीम खाने की तरफ जाए। क्यों नहीं चाहता? क्योंकि सोहल वहाँ है। कह कि ऐसा नहीं है। कहता क्यों नहीं? अब ताला क्यों पड़ गया जुमान पर? डोंगरी बेचैनी से पहलू बदलने लगा। तारीख ऐसे ही अपने आप को दोहराती है। कभी साहब ज़्यादा आफ्ताब खान ने ऐसे ही सोहल का तरफदार बन के बखिया साहब के साथ गद्दारी की थी। बखिया साहब ने खुद अपने हाथों से उसे मौत की सजा दी थी। मैं भी तेरा अभी यही हर्ष करने वाला था। गजरे ने मेज के नीचे से हाथ निकाल कर उसके सामने किया तो डोंगरे को एक रिवॉल्वर की नाल अपनी तरफ झांकती दिखाई दी। लेकिन अब तो थोड़ी देर और जिएगा, अब तो सोहल की हौलनाक मौत की खबर सुनकर मरेगा और फिर अपनी जुबानी कबूल करके मरेगा कि कंपनी में तू ही सोहल का भेदिया है। इंदौरी दौड़ता हुआ वहाँ पहुँचा। मुश्के कस दे हरामजादेगी। इंदौरी के चेहरे पर सख्त हैरानी के भाव आए और रिवॉल्वर लेकर इसके सिरहाने बैठ जा। ये जरा भी नाजायज हरकत करे तो गोली मार देना, समझ गया? इंदौरी ने जल्दी से सहमति में सिर हिलाया। आज से, बल्कि अभी से, कंपनी का सिपह सालार तू है। खुशी से इंदौरी थर थर कांपने लगा और बार बार पहलू बदलने लगा। मैं चर्च गेट जाके आता हूँ, तब तक ये कमीना तेरे हवाले है। बतौर नए सिपह सालार ये तेरा पहला इम्तहान है। मैं पास होके दिखाऊंगा, इंदौरी बोला। बढ़िया। आधी रात के करीब 20 आदमियों के साथ गजरे चर्च गेट स्टेशन के करीब की उस दो मंजिली इमारत के सामने पहुंचा, जिस पर बापू बाल घर का टूटा फूटा बोर्ड लगा था। इमारत का चर मराता सा फाटक कामले ने बड़ी आसानी से, बड़ी खामोशी से खोल दिया। फिर 10 आदमियों ने बाहर से इमारत को घेर लिया और बाकी के 10 गजरे के साथ खामोशी से भीतर दाखिल हुए। फाटक से आगे एक लंबा दालान था जिसके आगे ऊंची चार दीवारी में घिरा एक विशाल खुला अहाता था। उस अहाते के दाएं बाएं टीन की छतों वाली लंबी बैरकें थी जिनमें कि बच्चे रहते थे। दोनों बैरकों के मध्य में एक एक बल्ब जल रहा था जो कि विशाल अहाते में रोशनी का इकलौता जरिया था। खामोशी से प्यादे दाएं बाएं दोनों दिशाओं में फैल गए। जुलूस से लौटे बच्चे तभी सोए थे जबकि कंपनी के प्यादों की सूरत में एकाएक जैसे उन पर पहाड़ टूट पड़ा। आनन फानन उन्हें बैरकों से बाहर धकेल दिया गया। नतीजतन नींद से एकाएक जगाए जाने की वजह से आंखें मलते 100 के 100 अनाथ बच्चे अहाते में जमा थे। गजरे के इशारे पर कामले ने 3-4 छोटे छोटे बच्चों के चेहरों पर झन्नाटेदार झांपड़ रसीद किया। तत्काल वो रोने लगे। दो मंजिली इमारत के ग्राउंड फ्लोर के बरामदे की एक बत्ती जली और फिरोजा ने बाहर कदम रखा। क्या हुआ कम्बख्तो? वो झल्लाई, क्यों रोते हो? फिर ये देखकर उसके नेत्र फैले कि तमाम बच्चे अहाते में जमा थे। उसने जोर से आंखें मिचमिचाई तो उसे अहाते में कतार बांधे खड़े गजरे के प्यादे दिखाई दिए। तू, गजरे उसे घूरता हुआ बोला, वो औरत है ना जो अपने हस्बैंड के साथ इस यतीम खाने को चलाती है, फिरोजा नाम है तेरा? हाँ, फिरोजा के मुंह स्वमेह ही निकल गया। क्या है? इधर मेरे पास आ, मैं बताता हूँ क्या है। तुम कौन हो? करीब आएगी तो पहचान जाएगी। क्या चाहते हो? इधर आ, बताता हूँ। घूम के वापस जाने की कोशिश की तो गोली। असल में फिरोजा का वैसा ही इरादा था। इधर आ, गजरे घुड़क कर बोला। वो बरामदे से निकलकर 4 कदम आगे बढ़ी और ठिटक गई। तो तुम गजरे हो?
उसके मुंह से निकला। एकदम ठीक पहचाना, शाबाश। ये यतीम खाना है, यहाँ क्या रखा है तुम्हारे लिए जो इतने आदमियों के साथ यहाँ आ धमके हो? जो रखा है वो अभी सामने आता है, भीतर है ना वो? कौन? सोहल। फिरोजा सन रह गई। सोहल थोड़ी ही देर पहले वहाँ लौटा था और उस घड़ी भीतर उसके पति के साथ मौजूद था। उसके पीछे पीछे ही अपने दल बल के साथ तो राक्षस पता नहीं कैसे वहाँ पहुँच गया था। आसार अच्छे नहीं थे। कौन सोहल? प्रत्यक्षता वो हिम्मत करके बोली। तू किसी सोहल को नहीं जानती? नहीं। तू उस शख्स को नहीं जानती जिससे तेरे यतीम खाने को सालाना चंदा हासिल होता है? ये यतीम खाना सरकारी ग्रांट से चलता है। तू उस शख्स को नहीं जानती जिसकी बीवी बनकर और यतीम खाने के दो बच्चों को जिसके बच्चे बनाकर जिसके साथ तू कभी होटल सी व्यू के कमरा नंबर 608 में ठहरी थी। बीवी फिरोजा, बेटा आदिल, बेटी यास्मीन, वो खुद घड़ी वाला। याद आया कुछ? मैं कभी होटल सी व्यू नहीं गई। यहाँ इस घड़ी तेरे खाविंद और तेरे बच्चों के अलावा कोई नहीं? कोई नहीं। ठीक है, मुझे तेरी बात पर एतबार है। तस्दीक के लिए मैं भीतर झांकने नहीं जाऊँगा। फिरोजा की जान में जान आई, क्योंकि अगर वो भीतर होगा तो वो अपनी मर्जी से खुद मेरे सामने आ खड़ा होगा। फिरोजा सक पकाई। अब तू देख क्या होता है, फिर वो उच्च स्वर में बोला। सोहल, जहाँ भी है बाहर निकला, मुझे तेरी सूरत देखने की कोई जल्दी नहीं है। तो जितना चाहे टाइम लगा सकता है, लेकिन तेरे हर एक मिनट की देर के बदले में मैं एक यतीम बच्चे शूट कर दूंगा। यूँ जितने यहाँ बच्चे हैं उतने मिनट का वक्त तू हासिल कर सकता है। यतीम खाने में मुकम्मल सन्नाटा छा गया। सोहल, बहराम जी की पार्टी में तेरे कब्जे में एक बच्चा था जिसके सदके तू वहाँ वक्त का हाकिम बन बैठा था और वहाँ से सेफ निकल आने में कामयाब हो गया था। यहाँ मेरे कब्जे में 100 बच्चे हैं और तो दीन का नाथ, बेसहारों का सहारा और पता नहीं क्या क्या, इनमें से हर एक का मुहाफिज है। अब देखना यह है कि जो हथियार तेरे लिए कारगर था वो मेरे लिए कारगर है या नहीं। पूर्वता मुकम्मल सन्नाटा छाया रहा। एक बार की जैसे वक्त ठहर गया। इस इमारत को पूरी तरह से मेरे आदमियों ने घेरा हुआ है, इसलिए किसी और रास्ते से छुप कर निकल पाना मुमकिन नहीं होगा। मैं 60 तक गिनता हूँ। 60 होते ही मैं एक बच्चे को शूट कर दूंगा और फिर 60 तक गिनूंगा। ये सिलसिला तब तक चलेगा जब तक तमाम के तमाम बच्चे कंपाउंड में मरे नहीं पड़े होंगे। 1, 2। विमल ग्राउंड फ्लोर के एक कमरे में फिरोजा के पति नौशेरवान जी के साथ मौजूद था। वो अभी वहाँ पहुँचा ही था, इसलिए उस घड़ी भी वो अपने सिख बहुरूप में ही था। ये जो कहता है कर गुजरेगा, नौशेरवान जी कांपता सा बोला। गजरे इधर पहुँच कैसे गया? विमल के मुँह से निकला। ये इस वक्त करने की बातें नहीं, बच्चों की जान खतरे में है। मैं एक जान बचाने के लिए 100 जानों को खतरे में नहीं डाल सकता। 100 जानें बचाने के लिए एक जान जानी है तो जाए। नौशेरवान जी, हौसला रखो और मुझे सोचने दो। सोचने का वक्त नहीं, कुछ करने का वक्त है ये। एकाएक नौशेरवान जी के हाथ में एक हॉकी प्रकट हुई। आई एम सॉरी माई फ्रेंड। उसने हॉकी का भरपूर वार विमल की कनपट्टी पर किया। 55, 56, गोली न चलाना। एकाएक भीतर से बौखलाई हुई आवाज़ आई। मैं आ रहा हूँ। शाबाश, गजरे संतुष्टिपूर्ण स्वर में बोला। मुझे कपड़े पहनने का मौका दो। ठीक है, तू समझता है कि जब जहन्नुम रसीद होगा तो कपड़े तेरे साथ जाएंगे, तो पहन ले। शुक्रिया, लेकिन जल्दी कर क्योंकि मेरे सब्र का प्याला छलक सकता है। आगे से जवाब ना मिला। कुछ क्षण सन्नाटा रहा। खुदकुशी तो नहीं कर रहा भीतर? गजरे चिल्लाया। नहीं। तभी सोहर बरामदे में प्रकट हुआ। मैं हाजिर हूँ। गजरे ने उसकी सिख वाली सजदज पर निगाह डाली और फिर बोला, बस अभी लौटा ही मालूम होता है सी रॉक स्टेट से। हाँ, बच्चे का क्या किया? बच्चा? बहराम जी का नवासा। कुछ नहीं किया। यानी कि लौटा दिया? हाँ, आ गया। बरामदे से बाहर निकल, हाथ ऊपर करके। गजरे के आदेश का पालन हुआ। वो बरामदे से निकल कर कुछ कदम आगे बढ़ा और फिर ठिठक कर खड़ा हो गया। फिरोजा फटी फटी आंखों से उसे देख रही थी। गजरे ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसने हाथ में थमी रिवॉल्वर उसकी ओर तान दी। इसे कहते हैं लोहार की एक, गजरे विष भरे स्वर में बोला। क्या?
वो खामोश रहा। उसने अपने एकाएक सूख आए होठों पर जुबान फेरी। मेरी तमन्ना तो तुझे सी व्यू की बदनाम बेसमेंट में ले जाकर तड़पा तड़पा कर मारने की थी, लेकिन तू बड़ा मायावी आदमी है। तू कबूतर बन के फुर से उड़ सकता है, चूहा बन के किसी बिल में घुस सकता है, मेरे देखते देखते मेरे सामने से अंतर ध्यान हो सकता है। इसलिए मैं यहीं तेरी लाश गिराकर सब्र कर रहा हूँ। अपने वाहे गुरु को याद कर ले सरदार सुरेंद्र सिंह सोहल। गजरे के रिवॉल्वर ने गोली उखली। गोली सोहल की छाती में लगी। फिरोजा के मुंह से एक हृदय विदारक चीख निकली। रिवॉल्वर ने दो गोलियां और उगली, एक उसकी छाती में और दूसरी उसकी गर्दन में लगी। वो पछाड़ खाकर गिरा। उसका शरीर एक बार तड़पा और फिर स्थिर हो गया। गजरे उसके करीब पहुंचा। पांत की ठोकर से उसने उसके जिस्म को टहोका। कोई हरकत ना हुई। मर गया कुत्ता, वो नफरत भरे स्वर में बोला। फिर जैसे नफरत के इजहार के लिए उसने एक और गोली उसके मुर्दा जिस्म में दाग दी। फिरोजा कलेजा थामे सुबक रही थी। गजरे ने जोर से लाश पर थूका और वापस घूमा। उसके पीठ फेरते ही फिरोजा दौड़कर लाश के करीब पहुंची और पछाड़ खाकर उस पर गिरी। उसके गले से मुतवातर घुटी हुई हिचकियां निकल रही थी। ओ माय गॉड, कराह की तरह उसके कंठ से निकल रहा था। ओ माय गॉड, ये क्या गजब हुआ। चलो, अपने आदमियों के करीब पहुंचकर गजरे बोला। बाप, कामले दबे स्वर में बोला। क्या है, मेंढक टरटराया। गैर मर्द के लिए कोई ऐसे विलाप करता है क्या? क्या बोला? उधर देख बाप। गजरे ने घूमकर पीछे देखा। फिरोजा लाश का सिर गोद में रखे बैठी थी और उसे अपने आंसुओं की गंगा जमुना से भिगो रही थी। ओह, गजरे के मुंह से निकला। ओह, तो ये बात है। लंबे डग भरता वो वापस लाश के करीब पहुंचा। उसने फिरोजा को बालों से पकड़ा और घसीटकर लाश से परे किया। फिर उसने झुककर लाश की दाढ़ी मूछ नोच ली और पगड़ी उतार फेंकी। नकली दाढ़ी मूछ के आवरण के पीछे से जो सूरत नुमाया हुई वो सोहल की नहीं थी। औरत, गजरे बड़े हिंसक भाव से बोला, इधर मेरी तरफ देख। बड़ी कठिनाई से फिरोजा ने सिर उठाया। ये तेरा खाविंद है? उसका सिर सहमति में हिला। जब इसने बरामदे में कदम रखा था तुझे तभी मालूम था कि ये सोहल नहीं, उसके बहरूप में तेरा खाविंद था? उसका सिर फिर सहमति में हिला। तू जानती थी इसकी मौत निश्चित थी, फिर भी तू खामोश रही? फिरोजा ने जोर से हिचकी ली। जानते बूझते तूने अपने खाविंद को मर जाने दिया, शहीद शहीद हो जाने दिया, हमारे संकल्प की लाज रखने दी उसे। संकल्प? कैसा संकल्प? तू नहीं समझेगा। तू कैसे समझेगा? तू कोई इंसान है? तू तो हैवान है, वहशी दरिंदा है, लाशों को नोच नोच कर खाने वाला गिद्ध है। जुबान को लगाम दे कमबख्त। मेरा हस्बैंड मर गया, वो कफक कर रो पड़ी। मैं जिंदा हूँ, मेरे पर एहसान कर, एक गोली मुझे भी मार। अभी नहीं, तेरी ये ख्वाहिश मैं बाद में पूरी करूँगा। पहले मैं उससे निपट लूँ जो अभी भी भीतर दुबका बैठा है और जो फिर मेरे साथ छल करने में कामयाब हो ही गया था। मैं तो चला ही गया था इस ख्याल के साथ कि मैंने सोहल की लाश गिरा दी थी। सोहल? वो गला फाड़ कर चिल्लाया। कमीने, अपने मेजबान को अपनी जगह मरने के लिए भेज दिया? विमल को होश आया। अपनी कनपट्टी टटोलता वो उठकर बैठा। व्याकुल भाव से उसने कमरे में निगाह दौड़ाई तो नौ शेर वांजी को वहां से गायब पाया। फिर उसका ध्यान अपने जिस्म की ओर गया तो वह देखकर सन रह गया कि वो केवल अंडरवियर और बनियान पहने था। झपट कर उसने मुंह से टटोला तो दाढ़ी मूछ पगड़ी फिफ्टी सब कुछ गायब पाया। फौरन सारा माजरा उसकी समझ में आ गया। ओ नो, उसके मुंह से निकला नो। सौ जान बचाने के लिए जिस एक जान के जाने की बात नौशेरवान जी ने की थी वो खुद उसकी थी। बाजू थामने का है तो? नौशेरवान जी का सरल स्वर उसके कानों में गूंजा। मुंडी कट जाए, बाजू नहीं छोड़ने का है। बाह जिनादी पकड़िए, सिर दीजिए बाह न छड़िए। अब उसे पूरा यकीन था, नौशेरवान जी ने अपना सिर दिया था लेकिन उसकी बाह नहीं छोड़ी थी। जहाँ है बाहर आजा कमीने, उसे गजरे की दहाड़ती आवाज़ सुनाई थी। अभी भी कुछ नहीं बदला है, अभी भी बाजी पहले की तरह मेरे हाथ में है। कोई फर्क पैदा हुआ है तो सिर्फ ये कि तेरी खुदगर्जी ने एक शरीफ आदमी की जान ले ली है, अपने मेजबान को मरने के लिए भेज दिया फिर भी अपने को बहादुर कहता है। यही बहादुरी है तेरी?
जिसके लिए तेरी कौम जाबांज और सूरमा मशहूर है? लड़खड़ाता सा विमल उठकर अपने पैरों पर खड़ा हुआ। तू एक मिनट में बाहर ना निकला तो मैं एक यतीम बच्चे को शूट कर दूंगा। विमल ने खूंटी पर से एक पतलून उतारकर पहनी। फिर ये सिलसिला तब तक चलेगा जब तक तमाम के तमाम बच्चों की लाशें यहाँ कंपाउंड में बिछी नहीं पड़ी होंगी। फिर मैं भी तेरे पीछे जाऊंगा कमीने, और तुझे कुत्ते की मौत मारूंगा। लड़खड़ाते हुए विमल ने कमरे से बाहर कदम रखा। सुन रहा है कमीने, यह गजरे की दहशत से ही तेरा हार्ट फेल हो गया। उसने बरामदे में कदम रखा। तत्काल गजरे खामोश हुआ। बरामदे से निकलकर विमल ने अहाते में कदम रखा। गजरे का रिवॉल्वर वाला हाथ यंत्रवत उसकी तरफ उठा। नीम अंधेरे में भी सोहल की प्लास्टिक सर्जरी के बाद की सूरत, उसका नया चेहरा उसने साफ पहचाना। वातावरण एकाएक सतब्ध हो गया। उसमें ब्लेड की धार जैसा पैनापन छा गया। फिर विमल के धीर गंभीर स्वर ने वो स्तब्धता भंग की। मैं तेरे सामने खड़ा हूँ गजरे, गजरे हड़बड़ाया। मौत की कगार पर खड़े किसी शख्स से ऐसी बेफिक्री, ऐसी निडरता की उम्मीद उसे नहीं थी। उसने तो ऐसे मौकों पर रोते गिड़गिड़ाते रहम की भीख मांगते लोग ही देखे थे। पता नहीं किस मिट्टी का बना था वो शख्स जो कि सोहल कहलाता था। कुत्ते की मौत मरने के लिए तैयार हो जा कमीने, प्रत्यक्षता वो कड़क कर बोला। बहादुर कभी कुत्ते की मौत नहीं मरता। जवाब में उसे ऐसी आवाज़ सुनाई दी जैसे घन गर्जन हुआ हो। बहादुर बहादुर की मौत मरता है, और जो बहादुर की मौत मरता है वो कभी नहीं मरता। सिर दीने सिर रहत है, सिर राखे सिर जाए। मैं अभी भेजता हूँ तेरा सिर, गजरे दांत किटकिटाता बोला। फिर तू रखना उसे संभाल के। रिवॉल्वर पर अपनी पकड़ मजबूत करके उसने विमल पर निशाना साधा। उसकी उंगली घोड़े पर कसी। खबरदार गजरे। वातावरण में वो नई आवाज़ यूं गूंजी जैसे बादल फटे हों और उनमें से बिजली कड़की हो। गजरे ने चिहुक कर आवाज़ की दिशा में देखा। उसे कुछ दिखाई ना दिया, लेकिन विमल ने वो आवाज़ साफ पहचानी। वो नीलम की आवाज़ थी। तेरा अंत न जाना मेरे साहिब, मैं अंधुले क्या चतुराई। गजरे, आवाज़ फिर गूंजी, तेरे हर आदमी के पीछे की तरह एक आदमी खड़ा है, और खुद तेरे पीछे साक्षात यमराज का स्वरूप खड़ा है। पलट के देख। बड़ी कठिनाई से गजरे गर्दन घुमाकर अपने पीछे देख पाया। हाथ में थमी रिवॉल्वर उसकी खोपड़ी पर ताने उसके पीछे मुबारक अली खड़ा था। क्या? वो खूंखार स्वर में बोला। सब लोग हथियार गिरा दे, नीलम की आवाज़ आई। गजरे, तेरी जानकारी के लिए बाहर की घेराबंदी किए तेरे प्यादे पहले ही समर्पण कर चुके हैं। गजरे के कस पर निकल गए। उसने रिवॉल्वर को हौले से अपनी उंगलियों से निकल जाने दिया। विमल लपक कर फिरोजा के पास पहुंचा। फिरोजा, वो कातर भाव से बोला, मुझे नौशीरवान जी के इरादों की भनक तक नहीं लगी थी। इसने तो मुझे हॉकी मारकर बेहोश कर दिया था, और माई हस्बैंड डिड द राइटेस्ट थिंग। वो बड़ी कठिनाई से बोल पाई। मुझे उससे ऐसी ही उम्मीद थी। वो ऐसा कुछ न करता तो हमेशा हमेशा के लिए अपने और मेरे मुंह पर कालिक पोत देता। फिरोजा, नौशीरवान जी ने जो किया ठीक किया, मुझे उस पर फक्र है। मुझे खुशी है कि उसने याद रखा कि जब तू पहली बार इधर आया था तो मैं तेरे को क्या बोला था। मैं बोला था कि जब तक फिरोजा और नौशीरवान जी जिंदा है, इधर तेरा बाल भी बांका नहीं होगा मैन। फिरोजा, फिरोजा। तभी एकाएक एक जोर का धमाका हुआ और वातावरण में धुएं के बादल फैलने लगे। फिर वैसा ही दूसरा, तीसरा और चौथा धमाका हुआ। कोई अहाते में धुएं के बम फोड़ रहा था। तत्काल वहां इतना धुआं फैल गया कि हाथ को हाथ सुझाई देना मुश्किल हो गया। चारों तरफ खलबली मच गई। वैसे खलबली के माहौल में किसी ने गजरे की बांह खींची। बाप, निकल चलो, मेरे साथ आओ। गजरे ने श्याम डोंगरे की आवाज़ साफ पहचानी। वो उसके साथ घिसट्टा चला गया। वो होटल सी व्यू गया होगा, विमल बोला। वो कंपनी का हेडक्वार्टर है और उसकी निगाह में बहुत सुरक्षित है। उसे अपने लिए उससे बेहतर जगह और कोई नहीं सूझ सकती। हम उसमें घुस सकेंगे, मुबारक अली बोला। घुस सकेंगे, लॉबी से नहीं घुस सकेंगे, लेकिन मुझे सुरंग वाले खुफिया रास्ते की खबर है। हम वो रास्ता आजमाएंगे। वो रास्ता किधर है बाप? होटल के करीब एक ट्रांसपोर्ट कंपनियों के गोदाम जैसी इमारत है जो कि अमूमन बंद रहती है। उसमें से एक सुरंग है जो कि होटल के भीतर ऐसी जगह जाकर फूटती है
कि कंपनी के हेडक्वार्टर वाली होटल की 4 मंजिलों के प्रवेश द्वार पर तैनात विशेष सिक्योरिटी स्टाफ से आमना सामना नहीं होता। गजरी अगर होटल सी व्यू गया होगा तो हम उस रास्ते से चुपचाप एन उसके सिर पर जा खड़े हो सकते हैं। तुम्हें कैसे मालूम है वो रास्ता? नीलम बोली। संध्या को भूल गई? जब उसने मुझे बख्या की कैद से रिहा किया था तो उसी रास्ते से तो उसने वागले को चुपचाप भीतर घुसाया था और फिर मुझे रिहा कराने के लिए उसके साथ मेरी तक पहुंची थी। ओह, सुरंग वाले उस रास्ते में अलबत्ता ये एक नुक्स है कि उसका दरवाजा होटल वाली साइड से ही खोला जा सकता है। फिर कैसे बात बनेगी? हम वो दरवाजा तोड़ डालेंगे। इमारत का दरवाजा भी तो हमें तोड़ना ही होगा, लेकिन होटल उजाड़ पड़ा है, वो इलाका उजाड़ पड़ा है। मुझे उम्मीद है कि रात की इस घड़ी में वहाँ हुई तोड़ फोड़ की तरफ किसी की तवज्जो नहीं जाएगी। फिर क्या वांदा है? मुबारक अली बोला। कोई वांदा नहीं। अगर उन दोनों जगहों के दरवाजों पर लगे ताले दो तरफा खुलने वाले हुए तो हमें दरवाजे तोड़ने भी नहीं पड़ेंगे। हमारे पास बड़ा उस्ताद ताला तोड़ है जो उन्हें वैसे ही खोल डालेगा। बढ़िया, मैं इरफान को फ़ोन लगाता हूँ। इरफान आगे आकरे की तलाश कर सकता था। होटल की सुरक्षा में पहुंचकर ही गजरे के उड़े हुए हवास काबू में आए। वो ऑफिस में जाकर अपनी एग्जीक्यूटिव चेयर पर बैठ गया। उसने लिकर कैबिनेट खोलकर उसमें से ब्लैक डॉग की बोतल निकाली और बोतल को ही मुंह लगाकर उसके दो बड़े बड़े घूंट चढ़ा लिए। फिर कांपते हाथों से उसने एक सिगार सुलगाया। उस दौरान डोंगरे खामोश उसके सामने खड़ा रहा। इंदौरी कहाँ है? आखिरकार वो बोला। बाथरूम में बंधा पड़ा है, डोंगरे बोला। मेरी जगह। ऐसा क्यों कर किया तूने? बाप, जिस काम में मेरी जिंदगी गुजरी है उसे कोई 2 दिनों में नहीं सीख सकता। सिर्फ कह देने से कोई सिपह सलार नहीं बन जाता, वो सिपह सलार अभी बनते बनते बनेगा। मैं पुराना बना हुआ हूँ। तेरे हाथ पांव तो उसने मेरे सामने बांध दिए थे। वो समझता था ऐसा होते वक्त जिस्म एक खास तरीके से अकड़ा लिया जाए तो गांठें ढीली रह जाती हैं, जो कि बाद में जिस्म को ढीला छोड़ देने पर सरकने लगती हैं। आपके जाने के 5 मिनट बाद ही मैं आज़ाद हो गया था और उसे मैंने अपने कब्जे में कर लिया था। मेरे पीछे क्यों आया? सोहल को खबरदार करने के लिए? वो काम तो मैं यहीं से फ़ोन लगाकर भी कर सकता था। उसके लिए चर्च गेट तक दौड़े जाने की क्या ज़रूरत थी? तो मैं आपकी खातिर आपके पीछे गया और देख लीजिए कितना अच्छा हुआ कि गया। तुझे इल्हाम हुआ था कि मैं वहाँ नाकाम रहने वाला था? इल्हाम ही हुआ समझिए बाप। सोहल तो कोई काल पर फतेह पाया हुआ भीड़ू बताया जाता है। बखिया साहब के निजाम से लेकर आप तक उसके खिलाफ कंपनी की जब आज तक नहीं चली तो मैं कैसे मान लेता कि अब चल जाने वाली थी। मेरा दिल गवाही दे रहा था कि चर्च गेट पर भी सोहल के खिलाफ आपकी पेश नहीं चलने वाली थी। देख लीजिए, चली भी नहीं। अलबत्ता वहाँ बाजी कैसे पलटी ये मुझे अभी भी नहीं मालूम। बहरहाल आपका नकारा निकम्मा एक आंख वाला खोटा सिक्का ही आपको सेफ वहाँ से निकाल कर लाया है। क्यों किया? क्यों तूने ऐसा? तुझे मालूम था कि मैं चर्च गेट से लौटते ही तुझे मौत की सजा देने वाला था, फिर भी तूने मेरी जान क्यों बचाई? मैंने आपकी जान नहीं बचाई गजरे साहब, मैंने अपना पश्चाताप किया, अपना प्रायश्चित किया। यानी कि तू कबूल करता है कि तूने कंपनी के साथ गद्दारी की? हाँ, कबूल करता हूँ, लेकिन बहुत छोटे दर्जे तक। 2 बार जो बम यहाँ नहीं फटे वो फट भी सकते थे। वो इतने शक्तिशाली भी हो सकते थे कि ये सारी इमारत ही भक से उड़ जाती। जैसे एक बम मैंने बिलमोरिया के बेडरूम में उसके पलंग के नीचे लगाया था, वैसे ही एक एक बम से मैं हर अहदेदार की खातिर कर सकता था। सोहल से मेरी फुल जुगलबंदी होती तो उसके लिए कंपनी के सारे अहदेदारों को मैं ही मार गिराता। लेकिन दिल्ली में नीलम को फ़ोन करके उसे तूने खबरदार किया? हाँ किया, और अच्छा ही किया। गजरे साहब, नीलम वो औरत है जिस पर बख्या साहब ने कहर ढाया था तो वो इस दुनिया से उठ गए थे। मेरा दिल कहता था कि अब वो ही कदम आप उठाते तो आपका अंजाम भी बख्या साहब के अंजाम से कोई जुदा ना होता। इसलिए नीलम को खबरदार करके एक तरह से मैंने आपका भला किया, क्योंकि मुझे तो वो औरत दुर्गा का अवतार लगती है। क्या कहने, ऐसा ज्ञानी ध्यानी कब से हो गया तू? मैं ज्ञानी ध्यानी नहीं, मैं गद्दार भी नहीं। बड़ी हद आप मुझे बागी कह सकते हैं, और बागी भी मुझे किसी और ने नहीं, खुद आपने बनाया। आपके मेरी तरफ नाजायज़ रवैये ने बनाया,
कंपनी की गुज शता सिपह सलारों की कंपनी में हैसियत अहदेदारों जैसी होती थी, जबकि आपने अपने निजाम में मेरी हैसियत एक चपरासी से बेहतर न मानी। काना, निकम्मा कहकर जलील तो किया ही, बार बार ये ताने दिए कि मैं बखिया साहब के निजाम के सिपह सलार दंडवते की बुलंदियों तक कभी नहीं पहुँच सकता था। मेरा आपसे सवाल ये है गजरे साहब कि क्या खुद आप कभी बखिया साहब की बुलंदियों तक पहुँच पाए? गजरे खामोश रहा। मैंने सोहल को पहचान कर भी छोड़ दिया, यही मेरी एक इकलौती खता है जिसका प्रायश्चित समझ लीजिए कि आज रात चर्च गेट पर मैंने कर लिया। क्यों छोड़ दिया? क्यों छोड़ दिया? इस काने ने दो आंखें वाले का मुंह चिढ़ाने के लिए छोड़ दिया। इस छोटे आदमी ने आपसे अपनी तौहीन का बदला उतारने के लिए छोड़ दिया, और इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मुझे यकीन था कि वो अपने अल्टीमेटम पर खरा उतरने वाला था और वो ही कंपनी का सुपर बॉस बनने वाला था, यानी कि आइंदा दिनों का अपना आका। तूने उसे तस्लीम कर भी लिया हुआ था? हाँ गजरे साहब, मैं बयान नहीं कर सकता कि आपकी ये बात सुनकर मुझे कितना बड़ा झटका लगा था कि वो आपकी जगह कंपनी की गद्दी पर काबिज होना ही नहीं चाहता था, कि वो तो कंपनी का वजूद ही मिटा देना चाहता था। गजरे साहब, मुझे आपसे शिकायत थी, कंपनी से नहीं। मैं आपका सितारा गुरुब होता देखना चाहता था, कंपनी का नहीं। मैं कंपनी का वफादार था और हूँ। कंपनी है तो मेरा भी कोई वजूद है, कंपनी खत्म तो मैं भी खत्म। सोहल यहाँ आपकी जगह लेकर मेरा बॉस नहीं बनने वाला था। इसी बात ने मुझे वो कदम उठाने के लिए ललकारा जो कि मैंने उठाया। आज की तारीख में कंपनी का सिरमौर आपके सिवाय कोई नहीं। आप भी न रहते तो कंपनी का सिरमौर आपके सिवाय कोई नहीं। आप भी न रहते तो कंपनी तो वैसे ही खत्म थी। एन इसी वजह से ये जानते पूछते कि मेरी अपनी जान की सलामती की कोई गारंटी नहीं थी। मैं अपनी जान पर खेल कर आपको चर्च गेट से बचा कर लाया। मैं जब आज़ाद हो ही गया था तो आपकी निगाह में मेरा बेहतरीन कदम यही होता कि मैं फरार हो जाता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। इसके बदले में जो मैंने किया वो आप पर एहसान जताने के लिए भी नहीं किया, आपसे अपना गुनाह बख्शवाने के लिए भी नहीं किया। मैं अभी भी आपका गुनहगार हूँ और कंपनी का खतावार हूँ। मेरी जान अभी भी आपके हवाले है गजरे साहब, और गजरे साहब की हमारे। गजरे ने चौंक कर सिर उठाया। सोहल कमरे में दाखिल हो रहा था। गोदाम नुमा इमारत के भीतर दाखिल होने का उसके मजबूती से बंद लाल शटर के अलावा एक और रास्ता भी था। वो रास्ता उसके पहलू में बना एक दरवाजा था जो कि गोदाम के ऑफिस नुमा कमरे का था। आखिर उसका ताला खोलने की कोशिश में जुट गया। ताला खुलने का इंतजार करते लोगों में विमल के अलावा मुबारक अली, उसके दोनों जुड़वा भांजे अली मोहम्मद और वली मोहम्मद, इरफान, शोहाब और विक्टर थे। धोबियों की पलटन भी उनके साथ आई थी, लेकिन वो सब होटल की तरफ मौजूद थे। उन्हें हिदायत थी कि एक खास सिग्नल पर उन्होंने पूरी ताकत के साथ होटल पर टूट पड़ना था। मुंबई कैसे पहुंच गया? विमल ने मुबारक अली से सवाल किया। बस पहुंच गया बाप, वो दांत निकालता हुआ बोला, तेरे पीछू पीछू। कैसे? वो क्या है कि अभी जुम्मे से एक दिन पहले दिल्ली में तेरे को प्लेन पर चढ़ाया ना? हाँ। साथ ही इधर अपने एक जात भाई को फ़ोन लगाया कि तू दिल्ली से फला हवाई कंपनी की फला फ्लाइट से पुणे जा रहा था। वो तेरे से पहले मुंबई से पुणे पहुंच गया और तेरे को वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, निगाह, निगाह से बीन के रखा, वॉच करके रखा, वही। फिर वो अपना जात भाई तेरे पीछू मुंबई पहुंचा, चर्च गेट पहुंचा, यतीम खाने पहुंचा। फिर क्या, वो मेरे को खबर किया और मैं अली वली के साथ इधर। वो जो दो दर्जन आदमी साथ थे वो भी दिल्ली से साथ लाया? साथ नहीं लाया बाप, अपन तो, वो बड़ी शान से बोला, अली वली के साथ प्लेन से आया, बढ़िया वाली शेरवानी पहन के, सिर पर काले फोंदरे वाली लाल टोपी लगा के, औकात बना के धोबियों की पलटन को इधर ट्रेन से भेजा। नीलम कैसे मिल गई? अल्लाह के फजल से मिल गई, ऐसे करिश्मे से मिल गई बाप जो कि 10-20 सालों में एक बार होता है, बल्कि 150 सालों में एक बार होता है। वो काली एम्बेसडर DIA 7799 नंबर वाली दादर मेन रोड पर एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाती दिखाई दे गई। मैंने, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, फौरन पहचाना गाड़ी को। और नीलम को गाड़ी की वजह से पहचाना? क्यों भाई,
मैं क्या तेरी बेगम को पहचानता नहीं? करजन रोड वाली डॉक्टर बाई के, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, किली किली क्लिनिक, वही उस किली किली दवा घर से मैं अपनी टैक्सी में तेरी बेगम को और तेरे को बिठा के गोल मार्केट तेरे फ्लैट पर छोड़कर नहीं आया था? ओह, मैं भूल गया था। कमाल तो ये हुआ कि तेरी बेगम भी मेरे को फौरन पहचाना। तब मैं बोला कि मैं खाली दिल्ली का तेरा टैक्सी ड्राइवर ही नहीं था, तेरा फ्रेंड भी था। एन मौके पर यतीम खाने कैसे पहुंच पाए? इत्तफाक से तेरे लिए पहुंचना तो हम सब ने उधर था ही। वो अल्लाह मारे धोबियों की ट्रेन लेट हो गई, इसलिए देर से पहुंचे। लेकिन शुक्र है पाक परवरदिगार का कि बहुत ज़्यादा देर से नहीं पहुंचे। ज़रा और जल्दी पहुंच गए होते तो बेचारे नौशेरवान जी की जान न जाती। बरोबर बोला बाप, वो बुरा हुआ। पण ताला खुल गया, इरफान बोला। सब इमारत में दाखिल हुए। आगे सुरंग का दहाना तलाश करना मामूली काम निकला। बंद दरवाजा सुरंग के होटल की तरफ वाले सिरे पर था, जो कि आकरे ने चुटकियों में खोल लिया। उस दरवाजे को पार करते ही वो सब होटल में थे। होटल का उधर का दरवाजा बंद था और विमल जानता था कि जो काले सूटों वाले सशस्त्र गार्ड उधर तैनात होते थे वो बंद दरवाजे के बाहर ही होते थे। वे दबे पांव सीढ़ियां चढ़ने लगे। वे चौथी मंजिल पर पहुंचे। वहां के एक कमरे में से वार्तालाप की आवाजें आ रही थी। हाथ में रिवॉल्वर लिए विमल दबे पांव उधर पड़ा। सामने एक बंद दरवाजा था जिसे उसने धक्का दिया तो वो खुल गया। आगे एक और बंद दरवाजा था जिसके पीछे से आवाजें आ रही थी। दबे पांव वो उस दरवाजे पर पहुंचा। उसने उस पर एक उंगली का दबाव डाला तो पाया कि वो भीतर से बंद नहीं था। मेरी जान अभी भी आपके हवाले है गजरे साहब। और विमल दरवाजा खोलकर भीतर कदम रखता हुआ बोला, गजरे की हमारे। गजरे ने चौंक कर सिर उठाया। उसकी निगाह सोहल से मिली। हेलो, विमल बोला। सो वी मीट अगेन। गजरे खामोश रहा। उसकी मेज के दाईं ओर के ऊपरले दराज में रिवॉल्वर थी, लेकिन उसकी तरफ उसका हाथ ना सरका। उसके विपरीत उसने ब्लैक डॉग की बोतल उठाई और विस्की की एक घूंट हलक से नीचे उतारा। डोंगरे, विमल बोला, परे दीवार के साथ लग के खड़ा हो जा। डोंगरे ने आदेश का पालन किया। विमल फिर गजरे से संबोधित हुआ। गजरे, तू कहता था कि एक आध लड़ाई जीत जाने से कोई जंग नहीं जीत जाता और एक आध लड़ाई हार जाने से कोई जंग नहीं हार जाता। मैं तो इतनी फैंसी बातें समझता नहीं, इसलिए अब तू ही फैसला कर कि आखिरकार मैं जीता हूँ या हारा हूँ। गजरे के मुंह से बोल ना फूटा। मैंने तुझे कहा था कि मैं तुझे तब मारूंगा जब तू अकेला रह जाएगा, जब तुझे अपने दाएं बाएं कोई दिखाई नहीं देगा, जब कंपनी की मेहनती की गद्दी पर गद्दी नशीन होने के लिए कोई बाकी नहीं बचा होगा। अब तो खुद ही फैसला कर कि क्या वो घड़ी आ गई है। वक्त तेरे साथ है सोहल, गजरे धीरे से बोला, इसलिए इस वक्त तू जो चाहे कह सकता है, जो चाहे कर सकता है। बिल्कुल ठीक, मैं तेरे साथ सुलह करने को तैयार हूँ। ये बात तूने काठमांडू में भी कही थी, यानी कि तुझे वो बेगैरत जिंदगी अब कबूल है जिससे कभी तुझे मौत अच्छी लगती थी। अब तू मेरा चमचा, मेरा पिट्ठू बनने को तैयार है। अब तुझे मेरी कठपुतली बनना कबूल है। अब तुझे कुत्ता बनकर गले में मेरा पट्टा पहनना, तोता बनकर मेरे पिंजरे में बंद रहना, सांड बनकर नाक में मेरी रस्सी पहनना कबूल है, मेरे कहने पर नारियल पानी और पाव भाजी बेचना शुरू कर देना कबूल है। गजरे तिलमिलाया। जब ये सब कुछ करेगा तो एक गैरतमंद इंसान के बच्चे की तरह अपने इस सिपा सलार से निगाह मिला पाएगा, नीचे मौजूद अपने प्यादों के रूबरू हो पाएगा, उन लोगों के बीच इज्जत से सिर उठाकर चल सकेगा, मेरे से सुलह करके जिनके साथ तू विश्वासघात करेगा मरकर ऊपर पहुंचेगा, तो क्या राज बहादुर बखिया को, जॉन रोड्री ग्वेज को, मोहम्मद सुलेमान को, रतनलाल जोशी को, शांति लाल को, कांति देसाई को, मोटलानी को, पालकी वाला को, दंडवते को, जोजो को, कावस बिलमोरिया को, रशीद पावले को, भाई सावंत को, किशोर पिंगले को अपना कॉम्प्रोमाइज की कालक से पोता पुमो दिखा पाएगा, अपनी जुबानी कबूल करवा पाएगा कि तूने गजरे की मुंडी नहीं कंपनी के सिरमौर का सिर सोहल के कदमों में रखा। रावण के इतने सिर तेरे सामने कटे, अब आखिरी बचे सिर को कटने से बचाने के लिए तू सोहल से सुलह करेगा? अब खुद साबित करके दिखाएगा कि असल में तू कैसा पिल पिलाया हुआ
बेशर्म बेगैरत मतलब परस्त इंसान है? गजरी से जवाब देते न बना। कांपते हाथों से उसने विस्की की बोतल मुंह से लगाई और एक घूंट और पिया। कभी इसी होटल में ऐन तेरी तरह, तेरी जैसी हालत में, बल्कि तेरे से बदतर हालत में बखिया मेरे सामने मौजूद था, लेकिन तेरी तरह मौत के ख्याल से उसके प्राण नहीं कांप रहे थे, उसकी घिग्गी नहीं बंधी हुई थी। वह सुलह की, मेरा कुत्ता, तोता, मैना, सांड बनने की पेशकश नहीं कर रहा था। वो तब भी महान राज बहादुर बखिया था जबकि वो एक छिन्न भिन्न गुड़िया की तरह मेरे सामने पड़ा था और मौत उससे सिर्फ एक कदम दूर थी। वो तब भी मुझे गोली चलाने के लिए ललकार रहा था कि कैसा वाहे गुरु का खालसा था मैं जो वादा करके भी उस पर एक गोली और नहीं चला रहा था, उसे जान से नहीं मार रहा था। उस बहादुर इंसान ने तब भी अपनी मौत मुझसे छीन कर हासिल की थी। तू तो बखिया की परछाई बना निकला गजरे। गजरे का सिर शर्म से झुक गया। विमल मेज के करीब पहुंचा, हाथ में थमी रिवॉल्वर उसने मेज पर गजरे के सामने डाल दी। ये भरी हुई रिवॉल्वर है, विमल बोला, जो तेरी पहुंच के करीब तेरे सामने पड़ी है और तेरे सामने निहत्ता खड़ा है कंपनी का दुश्मन नंबर वन सरदार सुरेंद्र सिंह सोहल। गजरे, हारी हुई बाजी जीतने का मैं एक आखिरी मौका और देता हूँ तुझे। रिवॉल्वर उठा और चला गोली। गजरे के शरीर में कोई हरकत ना हुई। गजरे, अपनी बची खुची प्रतिष्ठा की आव रखने का एक मौका है तेरे सामने। रिवॉल्वर उठा और चला गोली। साबित करके दिखा कि तू बुजदिल नहीं। साबित करके दिखा कि मौके के मुताबिक कदम उठाने की सूझबूझ तेरे में अभी भी बाकी है। उठा रिवॉल्वर, चला गोली। गजरे का कांपता हाथ रिवॉल्वर पर पड़ा। उठा रिवॉल्वर, चला गोली। गजरे ने रिवॉल्वर उठाई, गोली चला और एक नई मिसाल कायम कर मौके के मुताबिक कदम उठाने की। गजरे का रिवॉल्वर वाला हाथ उठा। हर बाजी उसके आखिरी अंजाम तक ही नहीं खेली जाती गजरे, जब हार निश्चित हो तो बाजी से बीच में किनारा किया जाता है। गोली चला गजरे। गजरे का रिवॉल्वर वाला हाथ सीधा हुआ। वातावरण एकाएक ब्लेड की धार जैसा पैना हो उठा। चला गोली। एक क्षण के लिए वो हाथ कांपता सा विमल की तरफ तना, लेकिन फिर वापस मुड़ गया। फिर उसने रिवॉल्वर की नाल अपनी कनपट्टी से लगाई और घोड़ा खींच दिया। मैं तुम्हारी बहादुरी की दाद देता हूँ, विमल श्याम डोंगरे से बोला। चर्च गेट पर अपने बॉस को अकेले बचा लाने में तुमने कमाल कर दिया। मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा कि तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि ऐसी निष्ठा, ऐसी वफादारी दो तरफा नहीं चल सकती। कोई पाले के दोनों तरफ नहीं मौजूद रह सकता। किसी एक ही तरफ होना होता है हर किसी को, इधर या उधर। तुम किधर हो? मैं तुम्हारी तरफ हूँ बाप, डोंगरे अदब से बोला। अगर तुम कंपनी की गद्दी संभालो तो। दैट इज आउट ऑफ क्वेश्चन। रावण मारकर खुद रावण बनने का मेरा इरादा न कभी था और न कभी होगा। ऑर्गेनाइज क्राइम और उसके हर झंडा बरदार के मैं पहले भी खिलाफ था, आज भी खिलाफ हूँ और हमेशा रहूँगा। कंपनी अब खत्म है। आज के बाद कोई कंपनी का नाम नहीं लेगा। कोई होटल सी व्यू को कंपनी का हेडक्वार्टर करार नहीं देगा। ऑर्गेनाइज क्राइम का कोई नया महंत कंपनी की ओट में पैदा नहीं होगा। कंपनी अब किससे कहानियों की बात है? डोंगरे खामोश रहा। तू नीचे जा और जितने प्यादे यहाँ मौजूद हैं उनको इकट्ठा करके उन्हें गजरे के अंजाम की खबर कर और उनसे पूछ कि वो तारीख के वर्कों में सिमट गई कंपनी और उसके बड़े महंत गजरे महरूम से वफादारी दिखाते हुए यहीं लड़ मरना चाहते हैं या राजी राजी अपनी बीवियों, अपने बच्चों के पास, अपने अपने घर जाना चाहते हैं। घर जाना चाहते हैं, डोंगरे ने संकोच बोला। मैं अभी भी उनका सिपा सलार हूँ बाप। मैं जानता हूँ वो क्या चाहते हैं, उन्हें क्या चाहना चाहिए। ये बात ये जानते बूझते कह रहा है ना कि जरा भी मुखालफत करने की सूरत में वो सब के सब यहाँ ठौर मारे जा सकते हैं। हाँ बाप, चर्च गेट पर जो दर्जनों आदमी गजरे के साथ गए तमाम के तमाम प्यादों के सिर पर सवार थे, वो क्या मेरे को भूल गए हैं? गुड, उनको यहाँ से रुखसत कर और होटल बंद करा। आज के बाद जब भी ये होटल दोबारा चलेगा तो ये होटल होगा और सिर्फ होटल होगा। तब मुलाजमत में उसी स्टाफ को पहले बहाल किया जाएगा जो कि इसके बंद होने से पहले यहाँ काम करता था। यानी कि तब भी मैं इधर सिक्योरिटी का अफसर? हाँ, बढ़िया। अब जा। डोंगरे और इंदौरी, जिसे पहले ही रिहा किया जा चुका था,
वहाँ से चले गए। मामू, पीछे एकाएक अली मोहम्मद बोला। क्या है? मुबारक अली बोला। मज़ा नहीं आया। मेरे को भी, अली मोहम्मद बोला। मुंबई कैसे पहुँच गई? नीलम के रूबरू होते ही वो पहला सवाल था जो कि विमल ने नीलम से किया। इत्तफाक से, नीलम बोली, घर से निकलकर जो सड़क पकड़ी वो इधर ही आती थी। क्या बकती है? अरे सच कह रही हूँ। ठीक से बता, क्या हुआ था? पिछले महीने के आखिरी इतवार को, यानी कि 27 तारीख की सुबह को, तुम्हारे दोस्त योगेश पांडे मॉडल टाउन पहुँचे थे और हमें अपने साथ अपने घर ले गए थे। मैं, सूरज और सुमन मंगल तक वहाँ रहे। मंगल को जब हम काली एम्बेसडर पर सवार मॉडल टाउन लौट रहे थे तो डी ब्लॉक के मोड़ पर ही हमें एक अनजान आदमी मिल गया जो बोला कि उसके पास मुंबई से खबर आई थी कि हमारी कोठी पर कुछ बदमाश लोग हमारे लिए घात लगाए बैठे थे और ये कि हम कोठी में हरगिज़ हरगिज़ भी वापस ना जाएं। हम क्योंकि घर से पांडे जी के यहाँ रह कर आने के लिए निकले थे, इसलिए कपड़े वगैरह हमारे पास थे, पैसा वगैरह भी काफ़ी था। इसलिए हमने सोचा कि जब घर में कदम नहीं रखना था तो क्यों ना सैर ही हो जाए। सो कार पर सैर सपाटे के लिए हम निकल पड़े। वो तो हम यहाँ पहुँच गए तो हमें पता लगा कि जो सड़क हमने पकड़ी थी वो तो मुंबई जाती थी। आज 18 तारीख है, कार से दिल्ली से मुंबई पहुँचने में इतने दिन लगते हैं? कार की वजह से लगे इतने दिन? 6 बार खराब हुई रास्ते में रुड़ जानी। तूने जानबूझकर मुंबई का रुख किया था? अरे नहीं सरदार जी, कसम उठवा लो। कसम ही उठवाई थी मैंने। मैंने तुझे वाहे गुरु का वास्ता दिया था कि मेरे पीछे मुंबई ना आना, तो बाज नहीं आई, कसम तोड़ दी। क्यों वास्ता दिया था? वो रुआ से स्वर में बोली। रात को चोरों की तरह पहलू से उठ के चले आए, ये अच्छा काम किया तुमने। मेरी तो छोड़ो, अपने दूध मुहे बच्चे तक का लिहाज ना किया। कहते हैं औलाद पाँव में बेड़िया डाल देती है, लेकिन तुम तो ऐसे सुरमा निकले कि हर बेड़ी काट दी। ऊपर से सबक दे दिया, बच्चे की खैर मनाऊं। क्यों, बच्चे के बाप की खैर क्यों ना मनाऊं? पेड़ होगा तो फल और आ जाएगा, पेड़ ही नहीं होगा तो। वो रोने लगी। विमल ने खींच कर उसे अपने कलेजे से लगा लिया। चुप हो जा, वो उसके आंसू पोंछता हुआ बोला। खबरदार जो रोई तो। हाँ, मैंने कसम तोड़ी, वो सुबकती हुई बोली। मैं ऐसी 100 कसमें तोड़ सकती हूँ जो तुम्हें मेरे से अलग कर सकती हो। मुझे औलाद नहीं प्यारी, मुझे अपने बनाने वाले के कहर का खौफ नहीं, मुझे वादा खिलाफी का रंज नहीं। तुम मेरी जान हो और अपनी जान के लिए मैं अपनी जान की कसम भी तोड़ सकती हूँ। तुम्हारी जान मेरी जान है, उसके मालिक तुम नहीं हो, मैं हूँ। अपनी जान की हिफाजत के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। फिर भी ये कि मैंने अभी भी तुम्हारा लिहाज किया, तुम्हारी कसम का लिहाज किया। मैं तो उड़कर मुंबई पहुँचना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी कसम से खौफ ज़्यादा मैं जानबूझकर सरक सरक कर मुंबई पहुँची, किश्तों में तुम्हारे करीब करीब तर हुई। ओह, खुद वादा करके मुकर गए और मुझे वादा खिलाफी का ताना देने लगे। मैं कौन से वादे से मुकरा? उस वादे से जो तुमने मेरे से 1000 बार किया है, और तो और माता वैष्णो देवी के दरबार में बैठकर भी किया था। नहीं किया था वादा कि तुम कभी मेरे से दूर नहीं जाओगे, कभी मुझे अकेली नहीं छोड़ोगे? मेरी मजबूरी थी। क्या वादा? अरे नहीं गधी, मेरा तुझे छोड़ कर जाना। तुम्हारी मजबूरी थी तो मेरी भी मजबूरी थी तुम्हारे पीछे आना। चल ऐसे ही सही, अब राजी? हाँ, तूने एक बार फिर मेरी जान बचाई। मैंने क्या किया? सब उस घनी दाढ़ी वाले सिर से गंजे फरिश्ता जात मुसलमान भाई ने किया। वो एकाएक मुझे न मिल गया होता और मुझे तुम्हारी बीवी के तौर पर पहचानता ना होता तो मैं तो अभी तुम्हारी तलाश में मुंबई में धक्के ही खा रही होती। वो न मिलता तो कैसे तलाश करती मुझे, क्योंकि चैम्बूर में तुकाराम के घर को तो ताला पड़ा हुआ है। कुछ तो करती ही। क्या करती, पता तो लगे। रोज मुंबई के एक नए इलाके की गाते हुए प्रभात फेरी लगाती कि मेरा बिछड़ा यार मिला दे सदका रसूलदा। विमल हंसा। ऐसी सिचुएशन के मुझे बहुत फिल्मी गाने आते हैं, वो जोश से बोली, जैसे तू कहाँ ये पता इस नशीली रात में, माने ना मेरा दिल दीवाना। अरे मिडल फील्ड, प्रभात फेरी में नशीली रात कहाँ से आ जाएगी? वो शर्माई। बड़ी अदा से उसने अपना निचला होठ काटा। अब मुझे सूरज से तो मिलवा, सुमन के पास है, अभी लाती हूँ। वो उठकर चली गई।
वाहिगुरु सच्चे पातशाह, विमल धीरे से बोला, जीव जंत सभी शरण तुम्हारी, सर्व चिंत तुद पासे। तो यह था इस उपन्यास का अंतिम भाग। ऐसे ही मज़ेदार उपन्यास के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।